हेलो गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। लेकिन अब आपको मैं पुराने वीडियो में दिखा चुका हूँ मेरा सेटअप कितना ख़राब हो चुका है, क्योंकि पुरानी पीसी उड़ गई थी लाइट के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं केबल लेके आया हूँ, ये डॉक पे लगाया हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने इमर्सिव अडल्ट करके जो था सबसे पॉपुलर स्कैरिम का कलेक्शन था, तो मैंने डाउनलोड कर दिया। मुझे क्या पता था कि ऐसे कपड़े देंगे, ठीक है। ओके, दो पीस लीजिए कह रहे हैं, तो ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मेरा, अब आपको कैप्चर तो हो रहा होगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो कैप्चर कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता परफॉर्मेंस इशू आ रहा होगा। ओके, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए। तो यहाँ पे ये ना एकदम परफेक्ट जगह पे आया भी है ना, गुस्सा आ रही है ना। मैं थोड़ा ऊपर हो जाता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस वाला लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 900p है। ओके, तो रियल टाइम मॉनिटर। ओके, रुक जा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 वॉट पे है, और आप देख सकते हैं अभी 65-75 ऐसे वॉट पे चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रेम जनरेशन ऑफ कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 40-25 पे देखिए आप जल जा रहा है। तो ऑफकोर्स अब मैं चार्जिंग पे लगाया हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहलवानी और दिखा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे को पहुँच रहा है लगभग, ये गेम में मुझे लगता है ना अगर CPU बूस्ट करूँगा ना तो शायद फ़ायदा होगा। तो लेट मी डू दिस CPU बूस्ट। ओके, 39। ओके, देखिए आप 32 FPS पे चला गया। अब CPU बूस्ट में बंद कर रहा हूँ, 31, 30, 29। ओके, इतना फ़र्क नहीं, लेकिन हाँ 2 FPS का फ़र्क पड़ा था। तो एक काम करते हैं, 15 पे लगाते हैं ये 15, और CPU बूस्ट ऑन कर देते हैं, क्योंकि पुराने गेम है। आप देख सकते हैं, देखिए 31। कुछ गेम में जैसे जो सिंगल कोर प्रोसेसर के बेस पर बनाया है उसमें यही होगा, 900p पे रखा हो, क्योंकि अब समझ सकते हैं आप फैसिलिटी पहले से ज़्यादा पड़ रहा था। मुझे लगता है बारिश हो रही है ना, इसलिए लफड़ा हो रहा है, बारिश के वजह से गिरा, वरना 40 पकड़ रहा था FPS, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये बंद कर दिया, मॉनिटरिंग चालू है। ये नीचे क्यों चला गया, ऊपर, ठीक है। अब हम लोग इसके बिना थोड़ा सा चल के देखेंगे, तो आपको 30 है तो आपको अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि रिकॉर्ड 60 पे हो रहा होगा मेरे हिसाब से। शिफ्ट है ऐसे क्यों, अच्छा अर्ट से, अच्छा हाँ पुराना। ओके, तो एक तलवार ले लेते हैं, आप देख सकते हैं लगभग 31-30 इस FPS पर पकड़ रहा है। ओके, वीडियो कैप्चर कार्ड से थोड़ा सा वैल्यू गिर रही है, थोड़ा सा स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये स्क्रीन भी बहुत स्ट्रेच है ना, और VA पैनल भी नहीं है, VA पैनल है सॉरी। तो अब हम लोग इसी चीज़ को इनेबल करते हैं फ्रेम जनरेशन। ओके, 30 था, 74, 70, 90 देख सकते हैं आप, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये सब चीज़ों से का CPU से लेना देना नहीं। सपोजली अगर जैसे ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड अगर फ़ायदा करता तो ठीक है, 83 रहता तो 83 के ऊपर, लेकिन वो हम लोग का CPU का भी फायदा नुकसान नहीं हो रहा, यानी मतलब फ्रेम जनरेशन का CPU से कोई लेना देना नहीं है। सपोज़ मान लीजिए आपका CPU 2-4 कोर वाला है, ठीक है, और आपको FSR का यूज़ करना है, तो FSR अगर ग्राफिक कार्ड कोई बढ़ाता तो आपका FPS 99 GPU पहुंच जाता। तो मान लीजिए पहले 40 था, अब FSR ऑन किए, FSR 2, तो आपका तो FPS पहुंचा 90, ठीक है, सॉरी 40 था, अब 50 पहुंच गया, तो यानी मतलब आपका CPU मैक्स हो गया, ठीक है। लेकिन
सॉरी, पहले एक बार नोट कर लेते हैं। आपको मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ क्यों FSR से रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं 74 और 25 करेक्ट, और 56 FPS, 56 से कट के गया 24, ठीक है। ग्राफिक कार्ड यूजर 74 से सिर्फ 64 गया, और CPU यूजर्स 21, सिर्फ 2% का गैप है CPU यूजर्स में, और GPU यूजर्स में सिर्फ 14% का गैप। आप समझ रहे हैं, सिर्फ 14% का गैप, और FPS में 100% से भी ज़्यादा का फर्क है। अब आप बोलेंगे लेटेंसी, तो लेटेंसी चेक करने के लिए इसमें है नहीं।